हेलो दोस्तों, अगर बात करें ब्रेजा LXi की हेडलाइट्स की, तो आप सबको मालूम है कि ब्रेजा की LXi मॉडल में इस प्रकार की लाइट आती है, जिसमें एक होता है प्रोजेक्टर और दूसरा होता है रिफ्लेक्टर। प्रोजेक्टर होता है लो बीम के लिए और रिफ्लेक्टर होता है हाई बीम के लिए। अगर हम बात करते हैं कि इनमें किस प्रकार के बल्बस यूज़ होते हैं, तो जो प्रोजेक्टर है उसमें यूज़ होता है H7, 12 वोल्ट और 55 वॉट का इसमें बल्ब लगा सकते हैं। और अगर साथ में जो रिफ्लेक्टर है उसकी बात करते हैं, तो उसमें आता है H1 सॉकेट और उस पर भी हम लगा सकते हैं 12 वोल्ट और 55 वॉट का बल्ब। अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसका VXI और ZXI, ZXI प्लस के साथ, तो उसकी तो बात ही अलग है। उसमें आते हैं डुअल प्रोजेक्टर और वो आते हैं LED के साथ। तो वो अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट है, ब्रेजा VXI और ZXI की लाइट। तो इसके लिए मैंने अपनी LXI को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बल्ब ऑर्डर किए हैं, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने बल्बस हैं वो H7 जो लो बीम के लिए आते हैं वो ऑर्डर किए हैं बुडमो से। तो ये है उसके पैकेट की आउटर लुक, आपको दिखा देता हूँ। एक सिंपल से बॉक्स में आता है। इसके लिए चाहे ये बल्ब जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, रास्ते में कैरिज के दौरान ये टूट भी सकते हैं, लेकिन बुडमो की पैकिंग मुझे इस प्रकार अच्छी नहीं लगी इस बार। तो इसको ओपन करने के बाद इसमें हम बल्ब बाहर निकालते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से ब्रांड के हैं वो। तो ये हैं फिलिप्स के। जी हाँ, फिलिप्स के भी कई प्रकार के वेरिएंट आते हैं H7 के लिए, और मैंने जो ऑर्डर किए हैं वो हैं फिलिप्स के एक्सट्रीम विजन 130%। तो ये जो बल्ब हैं उसकी जो लाइट है वो पूरी तरह से येलो भी नहीं है और पूरी तरह से वाइट भी नहीं है। ये येलो और वाइट का मिक्सचर है। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी किसी हैलोजन वाले प्रोजेक्टर में कोई बल्ब लगाना चाहते हैं, तो उसमें वाइट बल्ब को हमें नहीं लगाना चाहिए। रीज़न क्या है कि वो इस प्रकार के लिए बना ही नहीं है कि वो उस प्रोजेक्टर में फिट आए। तो उसके लिए थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, जो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग है मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी तरफ से करके देते हैं, जिस कार में वो पहले से ही आता है। तो अगर हम उसको लगा लेंगे तो हमारी तो ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन जो हमारे सामने वाले हैं उसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो उनको अनकंफर्टेबल फील होगा, उनको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए सजेस्ट करता हूँ मैं आपको कि आप येलो लाइट और येलो और जहाँ हो सके तो येलो और वाइट का जो बीच वाला रास्ता है उसको अपनाएं। तो मैंने वही किया है। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो बल्ब है वो मैन्युफैक्चर हुआ है 2022 में, तो इसका मतलब लेटेस्ट मॉडल है। और ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर एक QR कोड है, और इसको हम अगर स्कैन कर लेते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि ये ओरिजिनल बल्ब है और नहीं। मैंने इसको स्कैन किया था और फिलिप्स की जो वेबसाइट है उसमें मुझे सर्च करने के बाद पता चला कि ये ओरिजिनल बल्ब है। तो आइए शुरुआत करते हैं और इंस्टॉल करते हैं अपनी कार में। और कार में इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो OEM बल्ब्स हैं वो किस प्रकार की परफॉर्मेंस देते हैं। तो देखिए, जो ब्रेजा LXi में जो बल्ब आते हैं कंपनी की तरफ से, मैं बात कर रहा हूँ लो बीम की, और लो बीम में जो है उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन मुझे जो लगा है, मैंने कई ट्रिप किए हैं नाइट में जहाँ मॉर्निंग में सनराइज से पहले, तो मुझे लगा है कि उसकी लाइट उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी नेट पे सर्च की और मुझे लगा कि जो फिलिप्स के जो एक्सट्रीम विजन बल्ब्स हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपना लो बीम में प्रोजेक्टर ऑन किया हुआ है LXi का। ये OEM बल्ब्स हैं, अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किए हैं। तो ये उसकी परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर से दिखा देता हूँ। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि LXi के जो ओरिजिनल प्रोजेक्टर बल्ब आते हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये अपनी पीक परफॉर्मेंस है, और जो सामने वाली जो वॉल है उसमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन इसकी पड़ रही है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है और मेरी कार बिल्कुल उसके नज़दीक है।
अब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा कि मैं जो फ़िलिप्स के बल्ब हैं उसको इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस रखूंगा और उसका भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस आपको कैसे लग रही है। तो आइए उसके बाद इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि जो फ़िलिप्स के बल्ब हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जब मैंने फ़िलिप्स के बल्ब इंस्टॉल करने के बाद अपनी कार को लेके गया तो मैंने उस खंभे से अपनी कार को काफ़ी दूर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि उस खंभे से मेरी कार काफ़ी दूर होने के बावजूद भी जो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो सामने वाली वॉल पे पड़ रही है। खंभा भी मेरी कार से काफ़ी दूर है, जो जो पोल है वो मेरी कार से काफ़ी दूर है और फिर भी इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो सामने वाली जो वॉल है उस पर पड़ रही है। आप देख सकते हैं, इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। तो ये है OEM बल्ब और फ़िलिप्स के बल्ब के बीच कंपैरिजन। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर देखिए, तभी फ़र्क महसूस होगा। तो ये है बल्ब्स की परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं कि ये बल्ब हम अपनी कार में लगाते हैं तो वारंटी का कोई इशू तो नहीं होता है, तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें वारंटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन के अनुसार आते हैं, इसको लगाना बहुत ही ईजी है और इसमें प्लग एंड प्ले है, किसी और प्रकार की वायर की कोई कटिंग नहीं होती है। तो बिल्कुल ओरिजिनल कपलर में ये फिट होते हैं, इसके लिए आप इलेक्ट्रिशियन की हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस में कितना चेंज हुआ है। तो इसकी परफॉर्मेंस में एटलीस्ट 130% जो फ़िलिप्स कहता है वो तो इम्प्रूवमेंट है, और बाकी ये आपके आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो मुझे पर्सनली थी, इसीलिए मैंने इसको अपग्रेड किया है। अदरवाइज़ LXI में जो बल्ब आते हैं वो अपना पर्पस तो सॉल्व करते हैं लेकिन उस लेवल तक नहीं करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं मेरे चैनल के बारे में। तो मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियो है विटारा ब्रेज़ा LXI की मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग, आप उसको देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। और अगर कुछ बात है तो कॉमेंट बॉक्स में लिख